स्वर्गीय बाल मुकुंद गुप्ता की स्मृति में आयोजित रक्त क्रांति सम्मान 2019 के तहत आज रविवार माँ शारदा सहायता समिति, जन आस्था समिति एवं अध्यापक परिवार के संयुक्त तत्वाधान में कांति शिवा मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में बैतूल जिले के रक्तदानियों का सम्मान किया जाएगा और समारोह के दौरान रेड डोनेशन फिल्म का भी विमोचन भी होगा। 15 व्यू। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य मंत्री एवं मुलताई विधानसभा के विधायक सुखदेव पांसे उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति के विशेष सहयोगी मुकेश गुप्ता और संयोजक शैलेंद्र बिहारिया ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि रक्त क्रांति सम्मान 2019 कार्यक्रम में जिले के समस्त विकास खंड की रक्तदान समितियां शामिल होगी। इस दौरान इन समितियों द्वारा सुबह 11 बजे हेलमेट पहनकर रक्त जागृति का संदेश देने वाले विशाल रैली निकाली जाएगी। वहीं ग्रामीण अंचलों से आने वाली समितियां बाइक रैली के रूप में रक्त क्रांति का संदेश देते हुए बैतूल आएगी। मैकेनिक चौक गंज पर रक्त क्रांति सम्मान समिति द्वारा रैली का स्वागत भी किया जाएगा। इसके बाद रैली कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगी। वहीं आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी नितिन अग्रवाल ने बताया कि अतिथि आगमन के दौरान सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। सुबह साढ़े ग्यारह बजे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे सभी उपस्थित अतिथियों के समक्ष अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद अतिथियों द्वारा रेड डोनेशन फिल्म का विमोचन किया जाएगा। वहीं 12:30 बजे समस्त रक्तदान समितियों को रक्त क्रांति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद 2 बजे से भोजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी के चलते कार्यक्रम संयोजक निर्देश मदरले ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की पूर्ति करना है। इन बच्चों को कभी रक्त की कमी ना हो, इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के संयोजक पंजाब राव गायकवाड़ ने समस्त नागरिकों से रक्तदान क्रांति सम्मान 2019 में शामिल होने की अपील की है। और रक्त क्रांति सम्मान कार्यक्रम के लिए उनकी शुभकामनाएं एवं सभी लोगों के नाम एक संदेश लेना चाहते हैं जो मिश्रा जी आप सबको संदेश देंगे। सर, एक्चुअली रक्त क्रांति सम्मान 2019 कल आयोजित हो रहा है और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए इस बार हमारा मोटो है कि उन लोगों को हमेशा ब्लड मिले और उसके लिए समिति हमेशा प्रयासरत रहती है और हर 3 महीने में बच्चों को ब्लड उपलब्ध कराती है और इसी के तहत एक जन जागृति के लिए एक आयोजन किया गया। इसके लिए आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये एक बैतूल जिले की बहुत अच्छी पहल है कि रक्त क्रांति सम्मान के बतौर एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोगों में चेतना आएगी, जागृति आएगी और जो हमारे पीड़ित लोग हैं जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों के जिनको हर समय ब्लड की जरूरत रहती है उनके वो काम आएंगे और रक्त डोनेट करेंगे लोग और ऐसे लोगों को इसमें सुविधाएं मिलेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आयोजन समिति को। ऐसे ही कुछ कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिसमें सकारात्मक समाज आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहे।